ये भोजपुरी इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिसको समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपने टिकट पर खड़ा किया है। नाम है काजल निषाद। इनको अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ से सांसद रवि किशन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि भोजपुरी अदाकारा और राजनेता काजल निषाद दोबारा से गोरखपुर लोकसभा से चुनावी चुनौती पेश करने को तैयार हैं। मंगलवार को सपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम काजल निषाद का ही था, क्योंकि वो एक बार कांग्रेस और दो बार सपा के टिकट पर हार की हैट्रिक लगा चुकी हैं। इससे पहले निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में सपा ने काजल निषाद को मैदान में उतारा था। ऐसे में ये सवाल उठने लगे कि लगातार हारने वाली प्रत्याशी को फिर से टिकट क्यों दिया गया, अखिलेश ने उन पर भरोसा क्यों जताया, क्या वो इस बार बीजेपी को उनके ही गढ़ में हरा पाएंगी। इन सवालों के जवाब के बीच काजल निषाद से टिकट मिलने के बाद ये पूछा गया कि क्या वो राम की लहर में बीजेपी को हरा पाएंगी, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा, रवि किशन जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या खुद प्रधानमंत्री जी हो। मैं चुनाव तो दमदारी से लड़ती हूँ क्योंकि मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ, दिखावे पर चुनाव नहीं लड़ती हूँ। आज मेरे पैर में फ्रैक्चर है फिर भी मैं चल रही हूँ, लाठी लेकर चल रही हूँ और मैंने व्हीलचेयर भी ले ली है। खुशियां मनाइए कि व्हीलचेयर भी ले लिया और व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करूंगी और जनता देखेगी, जनता देखेगी कितनी बार हराएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कितनी बार एक महिला को हराएंगे। ये पिछड़ों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और जब महिला जीतने लगती है तो धांधली करने लगते हैं। सपा प्रत्याशी काजल निषाद की बातों से तो लग रहा है कि इस बार उन्होंने बीजेपी को हराने की ठान ली है। चलिए अब समझते हैं सपा प्रमुख ने क्या सोचकर काजल निषाद पर भरोसा जताया। इस भरोसे की सबसे बड़ी वजह मतों का समीकरण है। गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र में कुल 20.74 लाख वोटर हैं। इनमें कैंपियरगंज विधानसभा में 3.90 लाख, पिपराइच में 4.10 लाख, गोरखपुर शहर में 4.68 लाख, ग्रामीण में 4.22 लाख और सहजनवा में 3.82 लाख वोटर आते हैं। सपा का मानना है कि इनमें एक बड़ी आबादी निषाद बिरादरी की है, खासकर ग्रामीण, पिपराइच और कैंपियरगंज में मुस्लिम और यादव वोट पर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत मानती है। सपा को उम्मीद है कि वो ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी। वहीं ओबीसी की कुछ अन्य जातियों और व्यापारी वोटरों का भी साथ मिलने की सपा को उम्मीद है। काजल निषाद के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव 2012 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, गोरखपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमाई लेकिन हार गई। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर कैंपियरगंज से किस्मत आजमाई लेकिन भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने हरा दिया। फिर 2023 में हुए निकाय चुनाव में भी सपा ने उन्हें गोरखपुर महापौर के पद के लिए टिकट देकर भरोसा जताया लेकिन इसमें भी उन्हें हार ही मिली। बता दें कि 2.5 दशक से अधिक समय से सपा गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए निषाद प्रत्याशियों पर ही दाव लगाती आ रही है, मगर जीत का स्वाद उसे एक बार ही चखने को मिला, वो भी उपचुनाव में। अब देखना ये है कि काजल निषाद सपा की इन उम्मीदों पर खरा उतरती हैं या फिर से पानी फेर देती हैं, और सपा का जातिगत गुणागणित आगामी चुनाव में कितना फिट बैठता है।